अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो जी आज आप देख रहे हैं ग्रिल हमारे चूल्हे पे। तो आज हम बनाने लगे हैं स्टेक। तो स्टेक को मैंने मैरिनेट कर लिया था 2 घंटे पहले। उसे आप ओवरनाइट के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। और पीछे क्या शोर शराबा आ रहा है, कहाँ गई हमारी स्टेक। हाँ ये देखें, इसे मैंने मैरिनेट कर लिया था। ओवरनाइट के लिए भी आप कर सकते हैं, और अगर टाइम नहीं है कम से कम 1 घंटे के लिए तो लाजमी करें। लेकिन मैंने 2 से 3 घंटे के लिए किया। और यहाँ पे ग्रिल हमारी गर्म हो चुकी है, इसके ऊपर हम डाल देंगे स्टेक। और क्या हो गया है, स्टेक को पहले मैंने हैमर से अच्छे तरीके से प्रेस कर लिया था, ताकि हमारे स्टेक अगर हम इसे हैमर से प्रेस नहीं करेंगे तो ये बड़ी मोटी सी और सख्त सी बनेगी हार्ड सी। और हमारा जो फ्लेम है वो बिल्कुल हाई पे रहना चाहिए, अगर स्लो फ्लेम पे करेंगे तो भी ये हार्ड हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल कितनी पतली सी। अच्छा हम देखते हैं कि किस किस ने हमें ज्वाइन किया है और कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोनिया, वालेकुम अस्सलाम फिजा, कैसी हैं आप। मैं ठीक हूँ मारिया, वालेकुम अस्सलाम रबी, कैसी हैं जी नाज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपके सामने। और ये देखें आज हम बना रहे हैं ज़बरदस्ती स्टेक, क्योंकि और ये स्टेक जो है ना ये डाइट के लिए, इसके हम ऊपर हम कोई क्रीम नहीं डालेंगे, कोई कुछ नहीं, सिर्फ हम इसे ऐसे ही ईट करेंगे। इसके साथ हमारे पास होंगी थोड़ी सी फ्रेश वेजेस जो कि बड़ी ही मज़े की लगेंगी, और इसे हम खाएंगे लंच टाइम पे। चिकन और मीट को हम आप हमेशा रात के वक्त अवॉइड करें। अगर आपने मीट खाना है तो उसे आप दोपहर में खाएँ, क्योंकि उस जल्दी हज़म हो जाता है। ये तो हो गई चिपकना शुरू, इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे और ऑयल। हेलो राबिया, क्या बना रही हैं जी। आज मैं एक जो चिकन स्टेक है वो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, और मैंने कास्ट आयरन की जो ग्रिल है ना मैंने वो ही यूज़ की है जिसमें हमने सर्व करना था। ओ ये क्या हो गया है, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त लग रही है हमारी स्टेक, कितना ज़बरदस्त है। इसके ऊपर ये ग्रिल के निशान आए, और इसकी जो खुशबू है ना वो भी बड़ी जालिम किस्म की है जी। और इधर मियाँ जी आ गए हैं चेक करने के लिए। कि क्या पक रहा है, इसके जो खुशबू है ना नहीं, वो इतना अच्छा वर्क नहीं करता। लुकिंग अमेजिंग जी, बिल्कुल ये अमेजिंग ही है। इसके अच्छा हाँ, इसे हमने मैरिनेट किस तरह किया, इसके ऊपर मैंने चिली गार्लिक सॉस डाल दी, और सोया सॉस मैंने डाली, लाल मिर्च पाउडर डाला, और पार्सले डाला, थोड़ा सा तारागोन डाला, नमक डाला, और इसे अच्छे से हमने मैरिनेट करके 2 घंटे के लिए छोड़ दिया। चलिए आपने डाइट के हवाले से एक और अच्छी रेसिपी बता दी जी। बिल्कुल अगर आप डाइट पे हैं तो दोपहर को आप इस तरह एक स्टेक बना लीजिए, दो हैं, एक मियाँ जी खाएंगे और एक मैं खाऊंगी।
मैं तो डाइट पे हूँ, साथ थोड़े से वेजेस खाएंगे। मियाँ जी जो है वो कुछ और भी साथ कुछ खाना खाएंगे, लेकिन मैं जो है ना सिर्फ ये ही खाऊंगी और पानी पियेंगे और फिर ग्रीन टी पियेंगे या ब्लैक कॉफ़ी पियेंगे। ये देखिए हमारा जो चिकन है, देखें कैसे वो सॉफ्ट हो गई। जी बेबी क्या क्या करना है? पानी? अच्छा किसके पास ले जाना? ओके आयशा पानी दो बेबी को। ये बना किसके लिए? गरम पानी। क्या करना है? छोटी की साफ। ओके बस उठा के फटाफट से ले जाओ। जी ये बना किसके लिए देंगे? ये हम दोनों ही खाएंगे, शेयर करेंगे। बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, सो दैट्स व्हाई वी हैव टू शेयर। नाइस कपल माशाल्लाह। हमजा बेबी कैसे है? हमजा भी माशाल्लाह ठीक है, तंग कर रहा है, डायपर चेंज करना है लेकिन मान नहीं रहा। प्रॉपर रेसिपी शेयर कीजिएगा इंशाल्लाह। चले हम प्रॉपर भी करेंगे। मैंने जैसे कि आपसे कहा है कि बहुत यम्मी यम्मी सी रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करनी है, और ये तो थोड़ा लाइव आके आपको पता है कि थोड़ा सा मेस भी हो जाता है, और लेकिन अच्छी अच्छी से इंशाल्लाह आप लोगों के साथ प्रॉपर सारी रेसिपीज शेयर करेंगे, मज़े मज़े के खानों की, देसी फूड के अलावा और भी बहुत सारी इटालियन फूड और थाई फूड और सारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मेरा ख्याल है अब हमारा जो चिकन है ये अच्छे से हो चुका है। ये देखें अगर इसमें ये मैं ये देखें कैसे ये इजीली कट हो जाएगा। सिर्फ हमने इसे इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में और देखते हैं कि क्या करेंगे। अपने फ्लेम को हमने बंद कर दिया है और ये जो पैन है इसे साफ़ करके फिर इसके ऊपर हम अनियन जो है ना वो ग्रिल करेंगे। तो इस पैन को हम लेंगे उठा। इसे हमने कर लिया हल्का फुल्का से साफ। अब इस पे हम ग्रिल करेंगे अपने अनियन और वेजेस। ये देखिए जी कैसे ज़बरदस्त सी हमारी जो स्टेक लग रही है। और आपको पता है आप ये जो स्टेक है ना ये पास्ता अगर आप बनाना चाहते हैं तो पास्ते के ऊपर भी ये चिकन आप इस तरह के बना के से पीसेस करके तो पास्ते पे भी डाल के उसे सर्व कर सकते हैं और या खा सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं अपने मील को। सलाम क्या हाल है? वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक आप लोग के सामने। डिश बहुत मज़ेदार लग रही है। इसके अज्जा मैंने पहले बता दिए, ऐसे मैंने चिली गार्लिक सोया सॉस पार्सले
रेड चिली पाउडर, नमक और थोड़े से तारागोन, अगर तारागोन वो लीफ एक होते हैं वो अगर आपके पास नहीं है तो उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। तारागोन उसमें आप चीज़ें अच्छी लगती हैं, आप इसमें मस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें मस्टर्ड नहीं ऐड किया, आप इसमें मस्टर्ड भी ऐड कर सकते हैं और बहुत सारी डिफरेंट तरीक़ों से आप इसे बना सकते हैं। इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने जैसे कि थोड़ा सा स्मोक की वजह से खांसी आनी शुरू होगी, मैंने इसे जैसे कि थोड़ा सा डाइट के लिए रखा है तो इसके साथ में थोड़ी सी वेजेस लूँगी। और इस तरह हमने इसे सिंपल सी स्टेक बनाई है और इसे हम खाएँगे और इन्जॉय करेंगे। सलाम, क्या हाल है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। यम्मी, यस बिल्कुल ये यम्मी ही होगी, मज़ेदार सी। मैं थोड़ थोड़ साथ खा भी लेती हूँ, देखें। माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर है, वाह, बड़ी ही मज़े की एक खुशबू है। क्योंकि जब हम इसे ग्रिल कर रहे थे तो उसमें से जो स्मोक निकल रही थी वो स्मोक की बड़ी ही मज़ेदार सी इसमें फ्लेवर है। आप ही अपनी स्किन केयर की वीडियोस अब कम कर दी आपने बनाना, कम नहीं कर दी, मैंने बस बनाती रहती हूँ। थोड़ी सी तबीयत खराब थी जिसकी वजह से बहुत जो है ना वो कम वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह से करूँगी। चलें जी, अब इसके ऊपर हम डाल देंगे अनियन। जी नुसरत शेख, वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके लाइव देख रही हूँ यूएसए से, इंडियन से हूँ। फजर का टाइम है? अच्छा जी, माशाल्लाह फजर की नमाज़ पढ़े और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना असर का टाइम चल रहा है जी। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे प्याज, प्याज जो कि मेरे पास पड़े हैं यहाँ पे कटिंग बोर्ड पे। मुझे ये जो अनियन है ना ये बहुत ही अच्छे लगते हैं, जो ग्रिल किए हुए अनियन होते हैं। तो इसलिए बहुत सारे हम डाल देंगे। ये अनियन जो कट करके ना मैंने थोड़ा सा इनके ऊपर नमक भी वैसे लगा दिया था। अभी ये जो है अच्छे से हम करेंगे ग्रिल और इसे हम सर्व करेंगे ब्रोकली के साथ। वाओ, बड़ी मज़े की लगती है मुझे, और उसे मैंने तैयार कर भी लिया है। उसका तैयार करने का आसान तरीका ये है कि उसे आप गर्म पानी लें, उसमें डाल के तकरीबन एक से दो मिनट के लिए सिर्फ आपने रखना है, और उसका बड़ा ही ज़बरदस्त सा ग्रीन सा कलर हो जाएगा। और उसके बाद आपने बस ना उसे पानी से निकाल लेना। जैसे कि आपको दिखाती हूँ, प्याज को यहीं पर छोड़ते हैं। ये देखें कितना जबरदस्त इसका कलर लग रहा है, माशाल्लाह ग्रीन ग्रीन। नीचे नहीं गिरना भाई, पहले मुझे थोड़े लग रहे हैं, मुझे जितने पसंद है ना उस लिहाज से ये मुझे कम लग रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब हल्का सा इस पे हम डाल देंगे ऑयल ताकि और जो है ना स्मोक निकले। ये देखिएगा आप, वाह, देख रहे हैं आप ऐसे वो सर्व करते हैं रेस्टोरेंट में अगर आप जाए ना तो बड़ा ही मज़ा आता है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्चें, यस हरी मिर्चें, और फिर हरी मिर्चों का आप कमाल देखिएगा। अब इसके ऊपर हम क्या डालेंगे, अब इसके ऊपर हम डालेंगे टमाटर और येलो बेल पेपर जिसे मैंने पहले ही ग्रिल कर लिया था।
टमाटर जो है ना थोड़े से एक साइड पे करेंगे हम, ये देखें इस तरह से। और अब इसके ऊपर हम करेंगे, रखेंगे अपनी स्टेक। ये देखें, देखेंगे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लग रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अब हम इसे करेंगे इंजॉय। यस, मुझे छुरी दो ज़रा। एक मेरे पास ना मेरी बड़ी ही प्यारी सी हेल्पर है जो कि बड़े काम करती है मेरे, उसका नाम है आयशा मैडम। अच्छा, मेरी लाइफ में ना जो आयशा नाम की लड़की है ना बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेरे जो दोस्त हैं वो आयशा नाम की हैं। अब एक साइड पे हम रख देंगे ब्रोकली। मियाँ जी को तो नहीं पसंद लेकिन मुझे तो काफ़ी पसंद है। ये देखेंगे, और इसे गार्निश कर देंगे हम थोड़ा सा धनिया के साथ। यस, और ये देखें जी हमारी जो ज़बरदस्त सी डिश है और जो स्टेक है और जो लंच है, ये डाइट लंच है। आप इसे तैयार करें और डाइट करें और फटाफट से हो जाएं पतले पतले। आप आ रही, आप अराई तो नहीं जी? बिल्कुल हम लोग अराई हैं। और यहाँ लड़की हंस पड़ी है, आज बहुत स्नो हो रही है, वाह। तो स्नो को एंजॉय करो, उसके साथ ये मज़ेदार से स्टेक बना के से भी एंजॉय करना मत भूलिएगा। तो अब मेरा ख्याल है कि हम करेंगे डिस्कनेक्ट। मैं वैसे थोड़ा सा कैमरा उतार के इसका एक टिकटॉक भी तो बनाना बनता है ना, जब इतनी मेहनत करता है इंसान तो फिर जो काम है प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये देखें जी, ये हमारे पास टमाटर है, ये येलो बेल पेपर है, और ग्रीन मोटे वाली मिर्ची है, प्याज है, ब्रोकली है, थोड़ा सा धनिया से हमने कर दिया गार्निश। इसके ऊपर लेमू भी निचोड़ के आप इसका मज़ा और दुबला कर सकते हैं। और हमारे ऊपर स्टेक है, अगर ओह मैन हमारे ऊपर नहीं और ग्रिल के ऊपर तो स्टेक है। और अगर आप इसके ऊपर क्रीम डालना चाहते हैं, क्रीम मैंने नहीं बनाई, अगर आप क्रीम डालना मशरूम सॉस बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको दूध चाहिए होगा, क्रीम चाहिए होगी, मशरूम चाहिए होगा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डालनी होगी, और उसे अच्छे से पका के तो इसके ऊपर आप डाल सकते हैं। तो मेरा ख्याल इसी के साथ आप मुझे दें इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।